Okay friends, this is going to be the quick video, okay? In this video, I am going to talk about what is this hall ticket, ठीक है? तो hall ticket क्या रहती है कि जब आप अपनी NGTN की final exam की date आ जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे payment करना होता है, आपकी fees payment का, ठीक है? मान लीजिए कि आप first semester में हो, तो आपको around 800 से लेके 850 तक first semester की exam fee pay करनी होती है। अब जैसे ही आप ये exam fee pay करते हो, तो उसके बाद यहाँ पे एक receipt generate हो जाती है, और या फिर college की ओर से वो print out करके आपको collect करनी होती है, तो इस पेज को, इस जो कापली पर्ची होती है उसको बोलते हैं होल टिकट। अब ये होल टिकट के अंदर आपको कौन सी डेट पे कौन सा पेपर है उसका नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ उसका एग्जाम का मतलब सब्जेक्ट्स का कोड लिखा होगा, ठीक है? टाइमिंग क्या है, आपका लोकेशन कौन सी जगह पे है, ये सब कुछ उस होल टिकट में लिखा रहता है। उसके अंदर आपकी एक फोटो होती है, आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है, आपका नाम रहता है, ये सब कुछ बेसिक डिटेल होती है। तो जब भी आप यहाँ पे फी पेमेंट करते हो, उसके बाद आपकी होल टिकट जनरेट होती है, और ये होल टिकट आपको हर एक टाइम जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तब आपको ये लेके जानी होती है, ठीक है? अब ये होल टिकट के अंदर आपका जो एग्जामिनेटर होता है वो यहाँ पे सिग्नेचर करता है कि नहीं, इस पर्सन ने एग्जाम दी है और ये मेरी सिग्नेचर है, ठीक है? और उसके बाद वो सारी डिटेल्स चेक करता है कि जो डिटेल्स आपने आंसर शीट में भरी है क्या वही होल टिकट में है कि नहीं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी बेसिक डिटेल रहती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये होल टिकट का इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको कब तक संभाल के रखना है, ठीक है? द इंपॉर्टेंट ऑफ होल टिकट इज टिल द रिजल्ट डिक्लेयर, ओके? रिजल्ट जब तक डिक्लेयर होता है तब तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एग्जाम में, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टेस्ट केसेस, ठीक है? आपने यहाँ पे एग्जाम में पूरी आंसर शीट लिख दी और आंसर शीट का जो नंबर था आपने वो अपनी होल टिकट के अंदर लिख लिया, ठीक है? बट उसके बाद रिजल्ट में ऐसा पता चलता है कि आप तो एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए थे, तो आप बोल सकते कि देखिए ये मेरी होल टिकट है, इसमें मेरा आंसर शीट का नंबर है, ये इस फैकल्टी ने सिग्नेचर भी किया है। तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये होल टिकट का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर होल टिकट गुम हो जाए तो इसकी आप एक कॉपी बनवा सकते हो। देखिए ये कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक वेब पोर्टल पे जनरेट एक रिसिप्ट होती है कि जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? बट ट्राई करना है इसको संभाल के रखने की, क्योंकि होल टिकट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है? और एट दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।